मैं आज मैं सभी के लिए लेके आऊँ हस्क्वर्ना का जो ये बाइक है, आपको बताऊंगा कि कौन सा बाइक रहने वाला है और अपने सेगमेंट में काफ़ी इतना अच्छा नाम क्यों इस बाइक का, और ये इतना अच्छा आपको जो बाइक है जो फीचर वाइज मिलेगा। और आज हमें होस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, हेलो भैया। हाय भाई, आपका गुड नेम भैया? मेरा नाम प्रवीण है सर। हो गया, तो प्रवीण भी आज हमें जो बाइक है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। तो बस मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को लास्ट से देखें कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी मिले। वाइज अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अभी कभी जो आपकी स्क्रीन पे मेरा हैंडल आ रहा है, ताकि जो मैं इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब आपको नहीं पढ़ जाता, मैं वो आपको इंस्टाग्राम पे पढ़। हेलो गाइज, मेरा नाम वीरेंद्र, आप देख रहे हैं मेरा वीरेंद्र राठी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं हूँ हस्क्वर्ना बाइक के बारे में आप सभी को दिखाऊंगा, ये कौन सी ब्रांड रहने वाली है, कौन सा बाइक रहने वाला है आज मैं आप सभी को वो दिखाऊंगा। तो रेयर वीडियो रहने वाली है आज, मैं आप सभी को वो दिखाऊंगा, बताऊंगा इस बाइक के अंदर हमें क्या मिलता है कंपनी द्वारा, फीचर वाइज, सेफ्टी वाइज, और बाइक आपको कैसा मिलता है देखने को, जो कि आप भी देख रहे हैं मेरे कैमरे द्वारा। अगर आपको बाइक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो मेरी बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी मिले। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, आपको दिखाते हैं इस बाइक के अंदर हमें क्या मिलने वाला है। अभी बात करें इसके इंजन स्पेसिफिक की, तो हमें क्या इंजन स्पेसिफिक मिलेंगे बाइक के अंदर? आज हम इस बाइक के बारे में बताना चाहते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं सर, एक तो स्मार्ट पिलन होता है, एक वीट पिलन होता है। ये 250 सीसी के अंदर ही आते हैं हमारे पास दोनों पार्ट्स। और हम इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो हमको इसमें सिंगल सिलेंडर, चार स्ट्रोक, चार वाल, DOHC इंजन का मिलता है। और इंजन के अंदर इसकी कूलिंग सिस्टम का बात करते हैं, इसका कूलिंग सिस्टम है, इसका लिक्विड कूल्ड इंजन सिस्टम रहेगा जिसके अंदर रेडिएटर होता है, अपने इंजन को ठंडा रखता है, तब हम कितने भी लॉन्ग ड्राइव पर ही चले जाएं हमारा इंजन गर्म नहीं होगा 1% भी। और इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है 248.76 सीसी की, और जो मैनुअली इसके अंदर दिखाया गया हमारा 250 सीसी का जो मैनुअल होता है 248.76 सीसी का होता है। इसका जो मेन पावर टॉर्क होता है 2.21 किलोवाट 30 पीएस 9000 आरपीएम पर, और इसकी पावर जो टॉर्क होती है 24 NM 750 आरपीएम पे। ओके भैया, जैसे कि भैया ने आपको इतनी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराई और बताना है आपको इंजन वाइज बाइक ये कैसा लगता है। अब बात करते हैं फ्रंट लुक के अंदर, क्या देखने मिला कंपनी द्वारा लिया? हमको फ्रंट लुक के अंदर ये नंबर प्लेट के लिए प्लेट लगाई गई है जिससे हम अलग यूनिक में हमारी नंबर प्लेट लगी गई है। हम अदरवाइज बाइकों में देखते हैं अपने नीचे की तरफ वो लुकिंग नहीं दिख पाती, इसलिए कंपनी ने कुछ अलग निकाला गया है जिसको हमारी नंबर प्लेट अलग स्पोर्ट्स लुकिंग में दिखेगी। यहाँ हमारी नंबर प्लेट के लिए जगह दी गई है, अच्छी सी लुकिंग में दी गई है, और हमारे इंडिकेटर्स आ जाएंगे जो दोनों साइड से LED होते हैं, और ये राउंड टाइप में अपनी LED होती है और बीच में LED लाइट होती हैं, और हाई लो बीम के लिए इसके अंदर फंक्शन दिए गए हैं। मैनुअली जो हम बात करते हैं इसकी लुकिंग की, अदर इसकी लुकिंग जो राउंड टाइप में है बहुत अलग यूनिक ही दिखाई दे रही है। और हम फ्रंट टाइप में इसके सस्पेंशन की बात करते हैं, सस्पेंशन इसके अप डाउन होते हैं, इसके सस्पेंशन कंपनी WP Apex 43 mm के होते हैं जिसमें हमारे ये सस्पेंशन अदर बाइकों से बहुत ही कंफर्टेबल है क्योंकि ये हमारे अप डाउन ही सस्पेंशन काम करते हैं। जो हम फ्रंट लुक के डिस्क की बात करते हैं, ये डिस्क हमको 320 mm की डिस्क मिलेगी, और जो पिच इस ABS सिस्टम होता है जो हमारी स्पीड को कंट्रोल में करता है, जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से कोई हमारे ब्रेक सिस्टम हमने लगाना पड़ गया तो ये एकदम से हमारी स्लिपिंग को रोकता है। और मैनुअली हमारे इसमें सभी पार्ट्स एकदम बढ़िया लगाए गए हैं। ओके भैया, मैं बात करें हमें टायर साइज हमें वो क्या मिलेगा फ्रंट का और रियर का? इसका फ्रंट टायर साइज होता है सर 110x70 का, 17 इंची के अंदर इसका व्हील होता है और 110x70 का इसका टायर होता है। बताना कि आपको फ्रंट लुक है बाइक की कैसी लगी। अब चलिए जानते हैं कि साइड लुक के अंदर हमें क्या देखा कंपनी द्वारा भैया? साइड लुक के अंदर हमें कंपनी का जो ब्रांड नेम होता है वो तो मैनुअली अपने को टैंकी पर दिख ही जाएगा सर। ये कंपनी हस्क्वर्ना है, स्वीडन का ब्रांड है, इसका नाम गाड़ी का नाम वीट पिलन है। मैंने आपको पहले ही बताया गया था इसके दो ब्रांड आते हैं, एक तो स्वाट पिलन एक वीट पिलन, और हम वीट पिलन के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं। जो इसकी मैनुअली जो लुकिंग होती है साइड से, जो इसकी चेचिज होती हैं ये वाली, ये बहुत मजबूत पावर कोटेड होती हैं, स्टील फ्रेम की होती हैं, और इसका लिक्विड कूल्ड इंजन होता है जो इसके अंदर हम कूलेंट डालते हैं जिसके अंदर हम किसी भी लॉन्ग ड्राइव पर गाड़ी चलाएं हमारी गाड़ी 1% भी गर्म नहीं होगी। और लुकिंग वाइज जो हमारे रेडिएटर होता है इसका जो हमारा वर्क होता है जो हमारे इंजन को गर्म होने से बचाता है। और इसके हम बात करते हैं सिलेंडर, ये सिंगल सिलेंडर में होता है हमारा, 6 गियर के अंदर गाड़ी होती है, और इसकी जो लुकिंग वाइज है ये एकदम कुछ अलग दी गई है जिससे गाड़ी अलग यूनिक प्रमोट करती है। और इसका अंदर जो ये ब्रेकिंग सिस्टम है एकदम
बिल्कुल इजी टाइप में दिया गया है, और इसका जो हमारा साइलेंसर होता है ऐसे टाइप में बनाया गया है जिससे हमारी गाड़ी की लुकिंग कुछ अलग दिखाई दे। और हम इसके साथ इसके पीछे के शॉकर के बारे में बात करें तो ये एडजस्टेबल शॉकर हैं, ये शॉकर मोनो शॉकर होते हैं हमारे हर जगह में, ये मोनो शॉकर बिल्कुल बहुत एडजस्ट बेस्ट शॉकर है सर ये। ओके भैया, जो अब यूनिक गाड़ी निकाली है ना प्रमोट करने के लिए ये, क्योंकि ये कैफे रेसर बाइक है सर, कैफे रेसर ये बाहर विदेशों में है, स्वीडन का मैंने आपको पहले ही बताया गया था, ये स्वीडन का ब्रांड है बाहर विदेशों में, इसको प्रमोट करने के लिए KTM ने इसको अपने ओनरशिप में लिया गया है और इसको अपनी तरफ से इसकी प्रमोट कर रहे हैं इसको। अभी ये यूनिक बाइक है, न्यू मॉडल है इंडिया में, अभी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी अभी आया है ये इंडिया में, अभी लॉन्च हुआ है, अभी कुछ टाइम के बाद आप इसको देख सकते हो इंडिया के अंदर बहुत सारी काफ़ी। और हम इसकी सीट की बात करते हैं तो 842 mm की इसकी सीट होगी और इसमें हमको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट सीट है इसकी अपनी, और जो इसके पीछे हैंडल होता है हैंडल बार भी अपने को बिल्कुल इजी टाइप में होता है, जो जैसे कि हम पीछे किसी को पकड़ने के लिए वगैरह होता है ये हम इसको हटा भी सकते हैं अपनी लुकिंग वाइज के लिए। हमारी इसकी टंकी होती है 9.5 liter की और इसकी टंकी ऐसी लुकिंग वाइज बनाई गई है, बहुत ही बेस्ट लग रही है इसकी लुकिंग टंकी वाइज। तो हमारा जो नीचे का स्पेस होता है जो हमारे ब्रेकर वगैरह या किसी में ना हमारी गाड़ी टच हो, इसका स्पेस होता है 149 mm का, जिससे हमारी गाड़ी स्क्रैचिंग या किसी भी चीज़ से टकराने से बच जाती है। और इसका मैनुअली जो हम पीछे की डिस्क के बारे में बात करते हैं, ये हमको मिलेगी 30 mm की, इसके अंदर भी ABS सिस्टम है पीछे वाले टायर के अंदर, और इसका पीछे वाला जो टायर होता है वो होता है 150/60 mm के, क्योंकि हमारी जो सही क्लियरेंस इनकी बनाई गई है स्पोर्टिंग लुकिंग में, स्लिपिंग में हमारे बहुत ही बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये बेस्ट लुकिंग में इसके टायर का सस्पेंस वो बनाया गया है ताकि इस हमारे टायर स्लिप होने से बच जाए। और हमारे जो पीछे वाली लाइट के बारे में बात करते हैं, दोनों LED लाइट होंगी, LED बैक जो हम ब्रेक मारने के बाद ये ऑन होती है, और जो पीछे का जो नंबर प्लेट के लिए अपनी इधर की स्पेस बनाया गया है और इसकी लुकिंग वाइज के लिए जो इसकी स्पेसिफिकेशन होते हैं ये अलग से पहले से ही मॉडिफाई कंपनी ने करके दिए हुए हैं। ओके भैया, तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप बैक लुक साइड लुक वो सारी जान ली होगी, तो अब चलिए बात करते वीडियो मीटर के बारे में, जानते हैं इसके अंदर हमें कंपनी द्वारा क्या देखने को मिलेगा। आओ हम आज इसके मीटर के बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं, जैसे कि हम गाड़ी को ऑन करेंगे तो हमारा ये सारा मीटर बायोडाटा दिखा देगा, जैसे कि ये डिजिटल मीटर के बारे में है, जैसे कि हम इसके अंदर सारा कुछ अवेलेबल होता है क्योंकि ये डिजिटल मीटर है, इसके अंदर हमारा सब कुछ दिखाता है, जैसे कि हमारा साइड स्टैंड डाउन है साइड से तो हमारा मीटर के अंदर ही शो कर देगा, ये हमारा साइड स्टैंड डाउन है, फ्यूल ऑयल फिल्टर सभी इसके अंदर शो करते हैं, टाइम भी दिखाता है इसके अंदर, फ्यूल भी, और इसके अंदर हमारा इंडिकेटर भी शो करते हैं, इंजन की स्टार्टिंग की लाइट भी दिखा रही है, और न्यूट्रल है हमारा, ABS सिस्टम का ये सेंसर जो हमको बाइक में मिलता है वो चीज़ हमको मीटर में देखने को मिल रही है इसके अंदर, और बाकी हम जो भी चीज़ इसके अंदर देखना चाहते हैं जैसे कि लो फ्यूल दिखा रहा है तो इसका हमारा लो फ्यूल है तो इसलिए डिजिटल मीटर में दिखा रहा है, साइड स्टैंड का आ गया हमारा साइड स्टैंड डाउन है, और हम जैसे कि मोड्स होते हैं अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, हम किस टाइम से किस टाइम तक ट्रैवल कर रहे हैं हम उसके अंदर सारा सेट कर सकते हैं, और हमारा इसके अंदर सारा टेम्परेचर वगैरह इसके अंदर मोड के अंदर जाकर देख सकते हैं, और फ्यूल किस कितना फ्यूल रह गया है और कितना किलोमीटर चलेगा अपना, ये सब कुछ डिजिटल मोड के अंदर जाके हम चेक कर सकते हैं। हम बात करते हैं इसके हैंडल बार की, इसमें हैंडल बार का हमको किल स्विच मिलता है जिसको हम ऑन ऑफ करते हैं जब हमारा बाइक स्टार्ट होता है, और इसके मैनुअली कहते हैं जैसे कि हमारे गाड़ी स्लप स्टार्ट होती है, स्लप गाड़ी स्टार्ट करने के बाद एस के बाद आएगी और मैनुअली, अब उधर चलते हैं हम उस साइड, तो ये हमारा हॉर्न जो बेस्ट टाइप में दिया गया है पहले से, और ये हमारे इंडिकेटर के लिए होते हैं लेफ्ट और राइट के लिए, ये हमारी हाई लो और लो बीम के लिए होती है लाइट, और ये हमारी पासिंग के लिए लाइट होती है, बहुत ही बेस्ट ही फीचर निकाले गए हैं इस कंपनी ने। तो बताना कि आपको बाइक है वो कैसे लगा, सारी इन्फॉर्मेशन फ्रंट लुक साइड लुक बैक लुक और स्पीडोमीटर बारे में इन्फॉर्मेशन और बाइक के जो फीचर हैं आपने वो सारे जान लिए होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन है वो जान ली होगी। चलिए जानते हैं भैया का नाम क्या है, भैया के शोरूम की लोकेशन क्या है और भैया का फोन नंबर क्या रहने वाला है। लोग जानते हैं इनसे इनका नाम क्या है, शोरूम की लोकेशन क्या है और इनके फोन नंबर क्या रहने वाले हैं। मेरा नाम प्रवीण जांगड़ा है, मैं हिसार से बिलोंग करता हूँ, जो हमारी लोकेशन है हिसार में वो दिल्ली रोड गणेश नगर इंडस्ट्रियल एरिया होता है इसमें, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7988031776।
ओके भैया, सो भैया ने अपना जो फोन नंबर है वो बता दिया है। अगर आपका मन करे, जो मैंने आप सभी को बाइक दिखाया है, अगर आपका वो मन कर रहा है वो बाइक लेने का, तो प्लीज़ भैया कॉल करें और भैया आपको हरियाणा के अंदर बेस्ट डील आपको वो प्रोवाइड कराएंगे। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका मन कर रहा है ये बाइक लेने का तो भैया का नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ भैया कॉल करें और भैया आपको हरियाणा के अंदर बेस्ट डील प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।